है गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं श्रीधराचार्य का रूल। श्रीधराचार्य के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, बच्चे जानते हैं, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो इक्वेशंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रूल है इनका, श्री धराचार्य का नियम, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में, भाई नाम तो सभी जानते हो। अब श्री धराचार्य का इंग्लिश नाम तो कुछ हो नहीं सकता, यही होगा श्री धराचार्य, तो लॉ लगा देना या फिर रूल लगा देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में आज डालूँगा, चलो आज इसका जो हेडिंग है वो मैं हिंदी में रखूँगा। चलो ठीक है सर, रख दिया आपने, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि बेटा एक जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें इसके x का वैल्यू निकालना है तो दो वैल्यू अक्सर निकलेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर में दो है, तो इसका मतलब x का वैल्यू दो निकलेगा सीधे सीधे। और जब दो वैल्यू निकलेंगे तो उसके लिए तो भाई एक अच्छा खासा एक ही फार्मूला में काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है सर, तो एक ही फार्मूला में उन्होंने बताया कि x का वैल्यू हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई 2a। ये तो उन्होंने फार्मूला बता दिया। अब सर ये पूछोगे कि सर ये तो इसमें तो एक ही फार्मूला है, दो आंसर कैसे निकालें, दो आंसर निकालना है कैसे, देखो। पहला कि हम पहली बार में क्या लेंगे, पहली बार में हम लेंगे, पहले देखो सॉल्व करो पूरा एंड तक, जब तक ये अलग करने का नौबत ना आ जाए, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे, दो मूल होते हैं ना, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा, ठीक। तो पहला आंसर क्या होगा सर, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये, तो एक ही फार्मूला से आप दोनों आंसर निकाल सकते हो। अब वो कैसे मैं बताऊँगा अभी, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो इस पे बेस जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसके बारे में देखते हैं, हालांकि बेसिक आप लोग पढ़ चुके हो एक बार, ठीक है। तो एक बार पढ़ चुके हो तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक। और हाँ, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसको आप सॉल्व करिए अपने हिसाब से पहले एक बार, फिर उसके बाद मैच कराना आप आंसर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर एक लेते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक, कोई इक्वेशन है और उसे हमें आंसर निकालना है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, अब इसका वैल्यू निकालो x का, कैसे निकालोगे। वैसे तो सॉल्व करके बड़ी इजीली तरीके से निकाल लोगे, लेकिन अगर मैं कह दूं कि x का वैल्यू निकालना है सीधे सीधे ऐसे, माइनस बी, पहले यहाँ देखो a का वैल्यू क्या रखोगे, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक है, b का वैल्यू क्या है, माइनस चार है सर, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, दो है, a b c हमें मिल गया, तो हमें क्या है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, माइनस बी की जगह पे ये हो जाएगा माइनस फोर, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक, यानी टू इंटू सॉरी फोर इंटू वन इंटू टू, वन इंटू टू, ठीक है सर, होल डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा कितना, प्लस फोर, बिल्कुल, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है सर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस टू रूट टू, ठीक, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, आठ, और आठ का जब हम रूट टू तोड़ेंगे यहाँ पर रूट निकालेंगे तो टू रूट टू बचेगा, ठीक है, इतना तो बचेगा ही,
ठीक है सर, और ये दो, ठीक है, ये दो दो, फिर दो बार गया, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 ± √2 हो गया, ये हो गया ये आपका x का वैल्यू। अब इसके दो वैल्यू सर कैसे, अब इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, सर अल्फ़ा होगा हमारा 2 ± √2 और बीटा क्या होगा 2 ± √2। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। मेरे ख्याल से ये सभी जानते होंगे, बहुत ही बेसिक था। चलो ठीक है, इतना जानते हो तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि सर 3x² प्लस 2√5x -5 इज इक्वल टू 0। अब अक्सर ऐसे जब इक्वेशंस आते हैं तो एक बार घबरा जाते हैं बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, फार्मूला तो हमें अच्छे तरीके से पता है, तो रख देते हैं डायरेक्ट। चलो रखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी, यानी कि यहाँ बी की जगह पर क्या है 2√5, बिल्कुल सर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3 है, इनटू सी कितना है -5। ठीक है सर, चलो होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a, 2 इंटू ए कितना है 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 और फिर माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, फिर ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है सर, अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट 80 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 80 हमारा 4√5 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से सभी में डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। ठीक, चलो अब क्या बचेगा यहाँ x का वैल्यू बचेगा √5 प्लस माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाई 3। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब प्लस ले लो एक बार और एक बार माइनस ले लो, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा √5 प्लस 2√5 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3√5 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी कि √5 हो गया। ठीक है सर, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा ये हमारा √5 माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाई 3, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस √5 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर हो गया। ठीक है सर, दो आंसर बन गए। चलो अब दो आंसर बन गए तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, और क्वेश्चन कहाँ है, हाँ हाँ यहाँ है, बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप लोग समझदार हो, इतना तो कर ही सकते हो। चलो दो क्वेश्चन काफ़ी है मेरे ख्याल से, जब दो क्वेश्चन काफ़ी हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, एग्ज़ाम में देखो कैलकुलेशन मस्ट रखना, एकदम बढ़िया बेस्ट रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो सारे क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक, तो कोशिश करना, दिमाग एकदम स्थिर रख के करना। ठीक है, दो में दो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 मत लिख देना। चलो अब देखना, श्रीधराचार्य में हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, बिल्कुल यही पढ़ा था। ठीक है सर, हमने पढ़ा तो था, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ये d बराबर, यानी कि हमारा ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट।
क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसे अगर हिंदी में बात करें तो विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। सर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण का नेचर बताना, यानी कि उसका बिहेवियर बताना, ठीक है, कि वो कैसा है, उसका वैल्यू कैसा आने वाला है, वास्तविक आने वाला है, इमेजिनरी आने वाला है, यानी कि रियल आने वाला है, इमेजिनरी आने वाला है, या फिर आपका और भी समान आने वाला है या फिर असमान आने वाला है, इक्वल अनइक्वल, ठीक है, इस तरीके के ये बताता है। तो अब ये कैसे बताता है इसके बारे में बताते हैं। चलो ये कैसे बताएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो सर इसमें कंडीशंस होते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है? कंडीशंस होते हैं, ठीक है सर, वो जो कंडीशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो हमारा जो विविक्त कर है वो उसके मान पर निर्भर करता है, बिल्कुल, जो उसका लक्षण है, जो उसका प्रकृति है, वो उसके मान पर निर्भर करता है, ठीक है सर। तो अब इसमें से सबसे पहला रूल, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन नोट करते चलना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं करा के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखना, इसमें पहला कंडीशन है इफ़, यानी यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या कह रहा है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं कह दूं इसमें पहला कंडीशन में एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, पहला कंडीशन क्या है? ये इसके बराबर है और वह पूर्ण वर्ग है, ठीक, पूर्ण वर्ग। हिंदी वाले भी समझ लें, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग हो तो, ठीक है सर, अगर हो तो कंडीशन क्या बनती है? तो हमारे जो वैल्यूज़ होंगे, जो हमारा मूल होगा, इधर लिखते हैं, जो हमारा मूल होगा या फिर रूट होगा, ठीक, रूट्स होंगे, वो उसके कंडीशन, उसके जो इसका रूट होगा वो कैसे कैसे होंगे? पहला वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब, वास्तविक मतलब रियल, ठीक। चलो पहला वास्तविक होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन पहला वास्तविक होगा। दूसरा असमान होंगे, यानी अनइक्वल, ठीक, अनइक्वल। तीसरा, तीसरा जो हमारा होगा वो परिमेय होगा। परिमेय मतलब सर, परिमेय मतलब रेशनल, क्या समझे? परिमेय मतलब रेशनल। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों आराम से समझ सकते हो, कोई डाउट रहे नहीं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट, मतलब एंड परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होना चाहिए? वास्तविक होगा, ठीक है, असमान होगा, और तीसरा अप मतलब परिमेय होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है। अगर आपको, आप जब कोई इक्वेशन दिया रहेगा उसके जब कंडीशन इस तरीके से फॉलो करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो उसके आंसर कुछ इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक, एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछेगा। चलो खैर मैं बताऊंगा कैसे पूछेगा। चलो तो अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, पूर्ण वर्ग नहीं है तो, है तो क्या होगा? सर रूट्स क्या होंगे? मूल क्या होगा? मूल क्या होगा हमारा? वास्तविक, ठीक है सर। अब इसमें डिफरेंस देख लेना स्टूडेंट्स, क्या होगा? वास्तविक, असमान यानी अनइक्वल, बिल्कुल, और तीसरा अपरिमेय। ये स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आपको, इरेशनल, क्या समझे?
अगर ये तो ज़्यादा होगा, ठीक है सर, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो से ज़्यादा हो गया, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे हमारा पूर्ण वर्ग कौन कौन सा होता है, 25, ठीक, 16, 9, इस तरीके से अगर आंसर आ गए तो ये समझ लो कि ये पूर्ण वर्ग है, समझ रहे हो। और अगर ऐसे आंसर नहीं आए तो हमारा वो क्या है, अब मतलब हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा, इसमें केवल एक डिफरेंस रहेगा, यहाँ परिमेय आएगा, परिमेय संख्या आएगी, और यहाँ अपरिमेय संख्या आएगी, यानी इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर, ठीक, चलो समझ में आया, बिल्कुल कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो अब तीसरे कंडीशन पे चलते हैं, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। ये सारे कंडीशंस अगर आपके वो आपके कॉपी में हैं तो याद रखना कि इस पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो, बहुत ही इजी से आप करके चले आओगे इजी वे में, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है सर, बता देंगे हम। चलो तीसरे कंडीशन पे चलते हैं, तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, तीसरा कंडीशन हमारा ये कह रहा है कि अगर अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर बराबर में ज़ीरो हो जाए, किसके बराबर में ज़ीरो हो जाए, तो मूल मूल यानी आपका रूट्स, बिल्कुल रूट्स क्या क्या होंगे, पहला समान यानी इक्वल हो जाएंगे, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा वास्तविक रियल, ठीक है सर। ये दो कंडीशन किस में आते हैं, जब हमारा ये दोनों बराबर हों, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक। चलो ये तीसरा कंडीशन काफ़ी इजी था, चलो समझ में आ गया होगा। अब चौथे की बात करते हैं, चौथा इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो से छोटा है तो क्या होगा, मूल हमारा क्या होगा, सर मूल का नेचर क्या होगा, मूल का नेचर हमारा क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब जानते हो, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक ठीक है सर, इमेजिनरी। और दूसरी यानी या फिर अवास्तविक कह दो या फिर काल्पनिक कह दो, ठीक, काल्पनिक, सर काल्पनिक का मतलब क्या होता है, हमारे इसमें काल्पनिक का मतलब क्या है, जो हमारे वैल्यू अंडर रूट में माइनस वन की तरह है, यानी अगर माइनस में अंडर रूट में माइनस में कोई वैल्यू आ गया तो समझ लो ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, समझ रहे हो, क्योंकि मैथ में इसका इसका जो अलजेब्रा में इसका मतलब होता है आयोटा, इसका मतलब होता है आयोटा, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, क्या समझे। तो ये आपके लेवल पे नहीं है, काफ़ी हाई लेवल पे है, तो इसको यहाँ तक रहने देते हैं, काल्पनिक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके काल्पनिक के अलावा अलावा क्या होगा, असमान, असमान यानी अनइक्वल, ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक था, ठीक है। ऐसे चीज़ें हो सकता है अगर आपको हाई स्कूल में ना समझ में आया हो तो आज तो समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो सर के पास, ठीक है। आपके पेड में आने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है स्टूडेंट्स, पेड में आने का फ़ायदा बहुत ही है, वो इसलिए है क्योंकि अब आप अगर ऐसी चीज़ों में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट रहने का हक है, यानी कि आप लोग हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं प्रकृति प्रकार करते हैं, मतलब इसका जो प्रकृति होता है उसके बारे में बात करते हैं, कि हमारी क्वेश्चन अगर दिया हो आपको कोई और उसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो कैसे, यानी कि उसके जो नेचर होता है उसके बारे में बात करें तो कैसे होगा। चलो कह रहा है कि एट एक्स स्क्वायर माइनस टू
प्लस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस तरीके से इक्वेशन गिवन है तो हमें कह रहा है तो मूलों की प्रकृति बताओ, यानी नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, अब नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं। ठीक है सर, 8x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है सर, अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना है? 8 है। बी कितना है? 5 है। और सी कितना है? माइनस 2। ठीक है सर, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? अब हमारा सबसे बढ़िया चीज़ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालो। अब इसका वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 8 × -2। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25, फिर हो जाएगा ये प्लस, यानी कि इधर माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 64। अब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 89। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, 89 राइट, ये ग्रेटर देन ज़ीरो तो है, ये ज़ीरो से ज़्यादा तो है, यानी कि डी हमारा जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या इसका रूट कोई होगा? रूट कोई दशमलव में आएगा, बिल्कुल। और इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका कंडीशन क्या है? मैंने बताया था कि इसका जो मूलों का नेचर होगा वो किस तरीके से होगा? पहली बात तो रियल होगा, बिल्कुल वास्तविक जिसे कहते हैं। ठीक, वास्तविक होगा। ठीक है सर, वास्तविक होगा। दूसरा क्या होगा? असमान होगा। असमान मतलब अनइक्वल। ठीक, जहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वहाँ ये दोनों कंडीशन तो फिक्स होगी, लेकिन अगर स्क्वायर परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय है। अपरिमेय है, क्या समझे? अपरिमेय मतलब इरेशनल। अब इरेशनल आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, बिल्कुल, और याद भी होगा जहाँ तक है। चलो, तो इसका मतलब है कि वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलता है। यानी कि अगर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू निकाल लेना है, वो देखना है कि वो ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, बड़ा है तो क्या होगा? ये कंडीशंस होंगे। ठीक है, और छोटा है तो हम जो बताए थे वो कंडीशंस होंगे, और बराबर है तो समान होगा सारी चीज़ें। चलो, तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करा दो एक बार। चलो ठीक है, करा दे रहे हैं, देख लेते हैं और कंडीशन कैसे बनते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर? x² - 3x - 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है। कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताओ। अगर इसके मूलों की प्रकृति को बताना है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हमें विविक्त कर पता करना है। विविक्त कर यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, बिल्कुल यही होता है। ठीक है सर, तो b यानी कि -3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 × 1 × -4। ठीक है सर, ये कितना हो गया? 9, फिर ये हो गया प्लस 16, ये हो गया 25। और स्टूडेंट ये ग्रेटर देन ज़ीरो तो है, लेकिन साथ के साथ ये क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर भी है, समझ रहे हो? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके कंडीशंस कैसे कैसे बनते हैं सर? डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन पहला रियल होगा, यानी कि हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा, बिल्कुल वास्तविक होगा। ठीक है सर, वास्तविक के अलावा असमान होगा, असमान होगा, बिल्कुल असमान, अनइक्वल।
ठीक है सर। और तीसरा कंडीशन, तीसरा हमारा परिमेय होगा, यानी कि रेशनल, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलो, तो ये तीन कंडे आपके तीन, ये जो इसके नेचर हैं वो तो पता चल गए, ठीक है सर। तो अब इसके अलावा भी और क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कैसे बनेंगे देखते हैं। ये तो मान लो डायरेक्टली पूछ लिया है कि सर इसके वास्तविक होने के बाद इसका ये बताओ, हाँ मतलब ये कौन कौन सा होता है, इसके नेचर बताओ, ठीक है सर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा, इसको आप लोग एक बार करके देखना, ठीक है, पहले फिर आंसर चेक कर लेना। ये वाला बढ़िया आंसर होगा मेरे ख्याल से, आप लोग करोगे तो मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी, कह रहा है समीकरण यानी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, के मूल समान हो, यानी कि इसके जो मूल हो, इसके जो मूल हो या रूट हो वो क्या हो, इक्वल हो, इक्वल समान हो, ठीक, समान हो, ठीक है सर। अगर मूल इक्वल हैं तो सी का वैल्यू बताओ, सी का मान बताओ, सी का मान कैसे निकलेगा। अब ये कंडीशन हमें दिख रहा है कि सर अगर मूल समान है तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जब हमारा ये वाला आता है किसमें, ये आता है उसमें कि जब हमारा इक्वल होता है, ये कंडीशन कहाँ होता है, ये कंडीशन होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो में होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि डी इज इक्वल टू ज़ीरो में होता है। तो फाइंड आउट करो क्या करना है, सीधे सीधे अगर मैं कह दूं कि डी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो, फोर ए सी को उस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, बिल्कुल। अब क्या करना है, पूरा वैल्यू रख दो, ये माइनस बी मतलब बी की जगह पे माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर इंटू ए कितना है, थ्री है, सी की जगह पे सी रख दो, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा तीन बार जाएगा यानी सी इज इक्वल टू 3, बिल्कुल कोई डाउट। मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप बहुत ही इजी वे में कर जाओगे, ठीक है। यानी कि इसमें देखो कंडीशन आपको दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे तो c का मान बताओ, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, हाँ। चलो तो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी सिंपल ही है, कर ले जाओगे बड़ी आसानी से। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है कि इसके भी प्रकृति को पता करना है, यानी कि इसके भी नेचर को पता करना है, ठीक है सर। अगर नेचर को पता करना है तो ये पता कर लो, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, आप लोग करो, ठीक है, अपने हिसाब से। चलो ये क्या है, माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो के मूलों की प्रकृति यानी नेचर, ठीक, बताओ। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन ये कर लेंगे, मतलब सभी स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्वेश्चन उतार के सारे क्वेश्चंस बता देना, आंसर बता देना, ठीक है। और ये स्पेशल केस है, थोड़ा देख लेना, आंसर जो भी होगा मुझे पता है, ठीक है, और जो भी होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।